हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक नागपाल, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वाचिंग मी स्टूडेंट ओनली ऑन योर यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू स्टूडेंट। इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। मीन्स आज की क्लास में हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और उसके बाद वैलेंसी क्या होगी, ये बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कंसेप्ट समझा था कि हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होता है, तो हर शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए कहता हूँ तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि के शेल में जाएगा। वहीं हम हीलियम के लिए कहें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी के शेल में जाते हैं। वहीं अगर हम लिथियम के लिए कहें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमें पता था कि फर्स्ट शेल में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और बचे हुए एल में चले जाते हैं, तो 2 1। इसी तरीके से हमने देखा था कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पर बोरोन जो होता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, के में होते हैं 2 और एल में होते हैं 3। इसी तरीके से कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6, बोरोन में 2 और एल शेल में कितना होगा, एल शेल में हो जाएंगे आपके 4। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 2 6। इस तरीके से सो ऑन प्रोसेस चलती जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी बातें सीखी थी। अब बारी आती है कि हमें समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए वैलेंस शेल। तो सबसे पहले वैलेंस शेल क्या होती है, अगर मैं सपोज़ करो सोडियम के लिए बना रहा हूँ, एक एटम का फॉर्मेशन देख रहे हैं सोडियम का, तो हमें पता है एटम कैसे फॉर्म होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल जो होती है, फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के सराउंड फर्स्ट शेल जो होती है उसको कौन सी शेल बोला जाता है, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं 2। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, तो हमने कैसे फिल करे, के शेल में भर दिए 2। फिर के बाद हमारी नेक्स्ट शेल होती है एल शेल, ठीक है, ये कौन सी शेल है, एल शेल, और एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 8, और हमारे पास कितने हैं, हमें 11 फिल करने हैं, अभी केवल 2 फिल करें, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए तो नेक्स्ट शेल आती है हमारे पास KLM, यानी ये है M शेल। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें फिल करने थे, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी एटम का या एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, अगर वो कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फिल कर दिए, 8 यहाँ फिल कर दिए, तो कितने हो गए, 10, और लास्ट एम शेल में कितना जाएगा, 1, एक इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मुझे KLMN के हिसाब से भरना हो तो सोडियम का कैसे मैं फिल करूँगा, के शेल कौन सी होगी, के शेल में मैक्सिमम हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, एल शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, 8, और एम शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन करे हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए, 11। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि आपको वैलेंस शेल को समझना पड़ेगा। तो वैलेंस शेल कौन सी होती है, किसी भी एटम की बाहर वाली शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम, दैट इज़ नोन एज वैलेंस शेल। तो इस एटम को अगर मैंने ये एटम फॉर्म किया है और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो बाहर वाली शेल यानी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, एम, तो दिस इज़ द वैलेंस शेल। किसी भी एटम की बाहर वाली शेल क्या कहलाती है स्टूडेंट, वैलेंस शेल कहलाती है। यानी ये एम शेल जो है सोडियम के लिए, जो एम शेल है ये कौन सी है, वैलेंस शेल, यानी किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। इस एटम के लिए ये कौन सी है, वैलेंस शेल है, ठीक है। अब वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी वैलेंस शेल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये वैलेंस शेल है तो इस वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इस शेल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन फिल किया है, केवल 1। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, और सोडियम की वैलेंस शेल कौन सी है, एम, ठीक है।
एम, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू थ्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम की वैलेंस शेल है, बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, किसी भी एटम की बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, और उस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं या प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको, चलिए अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो चलिए एक और डायग्राम बना के दिखाते हैं। सपोज करते हैं हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के लिए बात करते हैं, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, क्लोरीन की जगह मैं सपोज करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं चलिए, या नाइट्रोजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो के शेल में कितने जाएंगे 2, एल में कितने जाएंगे 5, और 2 और 5 7 पूरे हो गए। मींस अगर इसके डायग्राम बनाएं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट शेल कौन सी, के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 हमने फिल कर दिए। सेकेंड शेल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल कौन सी होगी एल शेल, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने देखा कि हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और हमने फिल कर दिए। अब और ये एटम किसका है, सोडियम का। अगर ये सोडियम का एटम है स्टूडेंट तो अब देखिए सोडियम की आउटर मोस्ट वाली शेल कौन सी है, ये तो है न्यूक्लियस, ये है इसकी फर्स्ट शेल और ये है इसकी बाहर वाली शेल, तो इस बार आउटर मोस्ट शेल कौन सी बनी एल, ये एल शेल कौन सी है आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल को ही क्या बोलेंगे हम, वैलेंस शेल ऑफ सोड, वैलेंस शेल किसकी शेल, वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की बाहर वाली शेल को ही हम क्या बोलेंगे वैलेंस शेल। तो जो भी यानी हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जिस भी शेल में जाकर प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट वाली शेल को। देखिए यहाँ पर ये वाली आउटर मोस्ट बनी थी और यहाँ पर इस केस में नाइट्रोजन के केस में एल आउटर मोस्ट शेल बनी है। अब इस आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें 1, 2, 3, 4, 5, तो आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करे हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कि वैलेंस शेल क्या होती है। तो किसी भी एटम की बाहर वाली शेल, सबसे बाहर वाली शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया, वैलेंस शेल क्लियर हो गई, तो अब बारी आती है वैलेंसी, अब बारी आती है वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। हालांकि वैलेंसी हमने थर्ड चैप्टर के अंदर भी थोड़ी सी डिस्कस करी थी, तो थोड़ा सा इसके डेफिनेशन से देखते हैं क्या होती है वैलेंसी। वैलेंसी के लिए डेफिनेशन बनेगी आपकी, वैलेंसी के लिए डेफिनेशन बनेगी आपकी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है वैलेंसी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइंड होगा और क्यों कंबाइंड होगा। देखो वाई का क्वेश्चन, क्यों क्यों का मतलब है कि क्यों कंबाइंड होगा, तो हर एलिमेंट चाहता है अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करना, यानी अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करना, यानी अपना ऑक्टेट फुलफिल करना, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपना ऑक्टेट आउटर मोस्ट वाली शेल को पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर एक्स्ट्रा हैं तो लूज कर देगा ताकि उसके पास केवल 8 रह जाएं, और अगर कम है तो वो गेन कर लेगा ताकि उसके आउटर मोस्ट वाली शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तभी कंबाइंड होगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसको क्या करेगा शेयर करेगा, ठीक है, या ट्रांसफ़र करेगा। और कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है या गेन करता है उसी को उसकी क्या बोली जाती है वैलेंसी। और हम डेफिनेशन वाइज क्या कहते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइंड होने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है उसकी वैलेंसी बोला जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि हमने बहुत बार पढ़ा है NaCl, ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूला का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है। अब अगर ये सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स तो आप खुद समझिए कि Na एक मेटल है, सोडियम एक मेटल होती है और Cl क्लोरीन एक नॉन मेटल होती है। और आप खुद देखिए मेटल और नॉन मेटल आपस में क्यों जुड़ेंगे, कोई भी एलिमेंट आपस में क्यों जुड़ेगा, कंबाइंड क्यों होगा,
तो कंबाइंड होगा अपना आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपनी बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए। अपनी बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए दोनों आपस में जुड़े होंगे। अब ये जब दोनों आपस में जुड़े होंगे तो इन्होंने ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए होंगे। जैसे कि अगर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे 8 से ज़्यादा, अपनी बाहर वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए होंगे, और जिसके पास कमी होगी उसने वही इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने 8 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया होगा और ये ऐड हो गए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम के लिए कहता हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, यानी शुरू में जब ये बना होगा तो कैसे बना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हम लोगों को पता है। अभी हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, KLM यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन गए होंगे और M में 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा। और हमने कहा बाहर वाली शेल क्या होती है, वैलेंस शेल, और बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस समय सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अब मैं कहूँ कि सोडियम की बाहर वाली शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सोडियम का एटम यहाँ बनाता हूँ तो ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये थर्ड शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो मैक्सिमम 3-4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब इसके पास कितना है आउटर मोस्ट वाली शेल में, 1। इसको अगर इसे अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करनी है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, देखिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसकी तो आउटर मोस्ट में कितने हैं, केवल 1। तो 1 यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है पूरा होने के लिए, और 7 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कभी होती नहीं है, मैंने अभी कहा 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये क्या करेगा, ये हार के थक हार के जब इसको नहीं मिलेंगे तो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी, और जब ये वाली शेल खत्म हो जाएगी तो इसकी आउटर मोस्ट कौन सी बन जाएगी, ये वाली, और देखिए इसकी आउटर मोस्ट क्या हो गई, फुलफिल। इसके आउटर मोस्ट तो अब फुलफिल है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो क्या किया सोडियम ने, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 2-8-1, यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, लास्ट शेल में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1। अब अगर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 थे तो इसने क्या किया, अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दे दिया किसी को, जब इसने ये दे दिया तो चला गया, और इसके पास इसके आउटर मोस्ट क्या हो गई, फुलफिल, ठीक है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम बन गया, कैसे, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो चला गया, अब यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2-8-1, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये रह गया 2-8। इसी तरीके से Cl की बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 17। फर्स्ट शेल में उसके होते हैं 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, अब उसको 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एम शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी अगर मैं क्लोरीन के लिए बनाऊं तो क्लोरीन के लिए थर्ड शेल जो होगी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको इस आउटर मोस्ट वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था ये क्लोरीन को मिल जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाए तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पूरा हो गया इसका। तो क्या हुआ, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी इसके पास थे 2-8-7, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसके पास कितने हो गए, 2-8-1, ठीक है। और क्या हुआ, Na प्लस बन गया 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और Cl माइनस बन गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, NaCl। तो आप देखिए हुआ क्या, पूरी प्रोसेस में ये हुआ कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, सोडियम को अपना ऑक्टेट फुलफिल करना था और ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया कहे, या उसने क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट फुलफिल करना था, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वही वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया। तो अब बात आती है कि कंबाइंड कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइंड हुआ और कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइंड हुआ। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइंड हुआ, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन के साथ जुड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन दे के, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम से कंबाइंड हुआ, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी हुई, 1।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहता है तो वो अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए अटैच होता है, और अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसकी वैलेंसी होती है, या कोई एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है, और वैलेंसी के केस में माइनस प्लस नहीं होता है, वैलेंसी में हम माइनस प्लस काउंट नहीं करते हैं। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैं और बताता हूँ आपको कैसे। देखिए मेटल्स जो होती हैं, अब हमें आपको यहाँ से बहुत वैलेंसी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, जैसे वैलेंसी हमें ये बताती है कि पहली बात मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पहली कंडीशन है कि एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर मेटल्स। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी हमें ये भी बताती है कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, हमें बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, यानी वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर उनके पास वो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, और इसका एक्सेप्शनल क्या है, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल में, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये क्या है, ये मेटल नहीं है, केवल ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्शनल है हाइड्रोजन और हीलियम, ये नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। इसी तरीके से हीलियम के आउटर मोस्ट में यानी फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है 2 होते हैं, लेकिन ये भी मेटल नहीं है। इनको छोड़कर अगर कोई और एलिमेंट है, जैसे मैं कहूँ लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, अगर इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम क्या है, मेटल। मैं कहूँ बेरिलियम को चेक करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 2, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बाहर वाली शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो ये भी क्या है, मेटल। वहीं बोरोन के लिए कहूँ तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, 3, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 3, तो आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट वाली शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने कहा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हैं तो वो क्या होगी, मेटल। मैं कहूँ क्या कार्बन मेटल है, तो देखिए 2 आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4, नहीं जी कार्बन मेटल नहीं है, वो ही एलिमेंट मेटल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वैलेंसी हमें ये भी बताती है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, ये बात क्लियर होती है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर 1, 2, 3 हैं तो वो क्या है, मेटल, और अगर किसी के आउटर मोस्ट में हम कहें एलिमेंट हैविंग 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। अगर किसी एलिमेंट के बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एल शेल में 4 जाएंगे, तो आउटर मोस्ट वाली क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, तो ये क्या है, नॉन मेटल। मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, 7, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5, तो इसके पास कितने हैं, 5, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, फर्स्ट में 2 कल चले गए तो बचे कितने, 6, वो एल में चले जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो वो क्या है, नॉन मेटल। वहीं अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो क्या होता है, 2, 7, तो आउटर मोस्ट में 7 है तो क्या है, नॉन मेटल। वहीं पर अगर मैं नियॉन की बात करूं, अगर 8 भी हुए तो भी वो नॉन मेटल ही होती है, तो अगर मैं 10, 2 और सेकंड शेल में 8, तो ये क्या होगी, नॉन मेटल। अब मैं इससे आगे सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है स्टूडेंट, इसकी बात करूं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने फिल करने हैं, 11, थर्ड में जाएगा 1,
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, और अगर वन इलेक्ट्रॉन है तो अभी अभी बताया था, अगर वन है तो वो क्या है, मेटल। मैग्नीशियम के लिए कहूँ तो मैग्नीशियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फील होंगे, 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में 2 है तो ये क्या होगी, मेटल। ठीक है, इसी तरीके से मैं एल्यूमिनियम के लिए कह सकता हूँ, एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, 2 8 3, तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, मेटल। इसी तरीके से अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूँ, 14 होता है, 2 8 4, अभी अभी बताया कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बन गया, नॉन मेटल। वहीं पर अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की तो क्या होगा, 2 8 5, और आउटर मोस्ट में अब कितने हैं, 5, तो ये क्या हो गई, नॉन मेटल। तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी का आपने आपको कॉन्फ़िगरेशन फिल करना आता है तो आप लिख सकते हैं, अगर किसी के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो मेटल है, 2 है तो भी मेटल है, 3 है तो भी मेटल है। आती है बात समझ, होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बारी आती है, ये तो आपको सारी बातें मैंने बता दी, वैलेंसी का और कंसेप्ट क्या है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है, मैंने कहा कि अगर जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सब सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, 20 तक हमने ये एलिमेंट लिख दिए। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, के शेल में केवल क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी के शेल में 2, और एम में कितना होगा, के शेल में 1 तो एल में कितना होगा, 1, तो इसकी के में 2, एल में कितने होंगे, 2, इसकी के में 2, एल में कितने होंगे, 3, इसकी के में 2, एल में कितने होंगे, 4, इसकी K में 2, L में कितने होंगे, 5, इसकी K में 2, L में कितने होंगे, 6, इसकी K में 2, L शेल में कितने होंगे, 7, और इसकी K में 2, और L में कितने होंगे, 8। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, वहीं पर अगर सोडियम के लिए कहूँ तो इसकी K में 2, L में 8, M में 1, K में 2, L में 8, M में 2, इसकी K में 2, L में 8, M में 3, इसकी K में 2, L में 8, M में 4, ठीक है, इसी तरीके से इसकी K में 2, L में 8, M में 5, इसी तरीके से सल्फर के लिए K में 2, L में 8, M शेल में 6, क्लोरीन के लिए K में 2, L में 8, M में 7, वहीं आर्गन के लिए K में 2, L में 8, एम में कितना, एम में कितना, 8, वहीं पोटेशियम के लिए, चलिए पोटेशियम को ऊपर बनाता हूँ, के में 2, एल में 8, एम में 8, के एल एम, एन के बाद कितना आएगा, 1, क्योंकि 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो कितना होगा, 2881, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और कैल्शियम के लिए क्या बनेगा, के में 2, एल में भी 8, एम में भी 8, और बाहर वाली एन शेल में कितने होंगे, 2, तो ये हो गया 2881, तो ये इन सब का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सब इन सब का क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। अब आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 1, तो अगर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसकी 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है बाहर वाली शेल में, 4, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अगर हम देखें कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 है, किसी एटम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 है, किसी एटम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 है, 4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या 5 है, नहीं, अगर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इफ़ एनी एलिमेंट कंटेन 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या करना है, आपको वैलेंसी कैसे निकालनी है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आप 8 में से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो 5, तो कितना आया, 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, 4 से ज़्यादा है, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको क्या कर दो, 8 में से माइनस,
8 माइनस 6 कितना आया 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। यहाँ भी 8 से ज़्यादा है तो आप कर दो 8 माइनस 7, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी 1। नियॉन के केस में तो 8 है और आप 8 में से 8 करोगे तो क्या होगा 0, यानी नियॉन की वैलेंसी कितनी आएगी 0। तो आपको ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, मैंने कहा किसी के आउटर मोस्ट में 1 है तो वही है उसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है तो इस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 है तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में फिर 5 आ गए। अगर 5 आ गए तो हमें कैसे निकालने हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस 5 कितने आए 3, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हुई स्टूडेंट 3। इसी तरीके से सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है। अब 6 है, 4 से ज़्यादा है, तो अगर 4 से ज़्यादा है तो हमने सीखा है 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 6 यानी 2, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई 2, सल्फर की वैलेंसी 2 हो गई। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 8 में से माइनस कर दो कितना आया 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई 1। आर्गन के आउटर मोस्ट में 8 है और 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0, यानी आर्गन की वैलेंसी कितनी होती है 0। पोटेशियम के लिए बात करूं तो पोटेशियम का कॉन्फिगरेशन ये है 2881, तो आउटर मोस्ट में 1 है तो पोटेशियम की वैलेंसी 1। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितना है 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो होप आपको ये वैलेंसी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मींस अगर आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करना आता है, ये मैंने 20 तक सबका लिख रखा है, आप देख लेना। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करना आता है तो, और आपने देखा बाहर वाली शेल में, बाहर जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हुए, अगर वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए या 5 से ज़्यादा हुए तो आप 8 में से उन 5 इलेक्ट्रॉन को जब माइनस करोगे तो दो जो डिजिट आएगी वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे यहाँ 5 थे, 5 हैं तो 5 में आप क्या करोगे 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा और 3 होगी इसकी वैलेंसी। यहाँ 6 हैं, 6 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा और 2 होगी ऑक्सीजन की वैलेंसी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक बात और बताता हूँ, फिर इस कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं। देखिए आप, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूँ और इसमें एक दो बातें और ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद हम वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी के लिए मैं और क्या कह सकता हूँ, वैलेंसी के लिए मैं कह सकता हूँ कि देखिए, जब आपने पेरियोडिक टेबल देखी होगी तो आप, अगर आपने पेरियोडिक टेबल देखी है तो पेरियोडिक टेबल में जो ऐसे एलिमेंट होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। जब एलिमेंट ऐसे ऐसे अरेंज हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। जैसे अगर आप पेरियोडिक टेबल देखें जहाँ पर एलिमेंट अरेंज है, तो पहला एलिमेंट होता है हीलियम, हाइड्रोजन, फिर उसके भी नीचे होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो स्टूडेंट, तो इन सब के कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉमन बात आएगी कि सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सबके आउटर मोस्ट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से सबके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 1 1 1 1 1, सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी ग्रुप में जब इन सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबकी वैलेंसी सेम है। अगर वैलेंसी सेम है बच्चों, तो जिन एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, सेम, तो हम कहेंगे इन एनी ग्रुप ऑल एलिमेंट, किसी भी ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब क्या, सबकी वैलेंसी क्या होती है, सेम। इन एनी ग्रुप ऑल एलिमेंट आर हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में, अगर इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ देखिए सबके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं किसी दूसरे ग्रुप की बात करूं, जैसे आप पेरियोडिक टेबल में देखें तो कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 8 2, तो आप देखिए आउटर मोस्ट में कितने हैं 2। तो अगर इनके, यानी सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी क्या हुई 2, क्योंकि आउटर मोस्ट में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं, तो 2 है, तो इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। अब इनकी वैलेंसी 2 है, तो देखिए एक ग्रुप में है, ये भी एक ग्रुप के एलिमेंट है, तो अगर एलिमेंट के, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो दे आर हैविंग, इफ एनी ग्रुप और इन एनी ग्रुप ऑल एलिमेंट आर हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं,
तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम का मतलब अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सपोज करते हैं ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। एक और पॉइंट बताता हूँ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है देन दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट क्या होती हैं, अलग। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं कहूँ क्या मैग्नीशियम और लिथियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, नहीं होगा। क्या मैग्नीशियम और सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर नहीं होते हैं या जिनकी वैलेंसी सिमिलर नहीं होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कभी भी सिमिलर नहीं होती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वैलेंस और वैलेंसी का कंसेप्ट देखा। एक बार मैं बहुत जल्दी से आपको रिव्यू दे देता हूँ कि होते क्या हैं। कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट वाली शेल को, बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है या फिर दो इलेक्ट्रॉन है या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो नेचर में मेटल होती हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट वाली शेल में फोर इलेक्ट्रॉन है, फाइव इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, सेवन इलेक्ट्रॉन है या एट इलेक्ट्रॉन है तो वो नेचर में नॉन मेटल होती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन होता है, हीलियम के आउटर मोस्ट में टू होते हैं, ये एक्सेप्शनल हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर किसी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वन होती है, टू इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी टू होती है, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी थ्री होती है, और आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी, उस एलिमेंट की वैलेंसी फोर होती है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट वाली शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें एट में से उन फाइव इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फाइव इलेक्ट्रॉन है तो आप एट में से फाइव माइनस करोगे तो आएगा थ्री, और उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी थ्री। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो आप एट में से माइनस करोगे सिक्स, तो वैलेंसी आएगी आपकी टू। तो इस तरीके से अगर फोर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो आप उसे एट में से माइनस कीजिए, और जो भी डिजिट आएगी वो होगी उसकी वैलेंसी। होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।